राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तेलो में मंत्री सर झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादर पत्रलेख भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान जमकर एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज चूल्हा प्रमुख के नाम पर महिलाओं को लिफाफा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी लिफाफा जरूर लें, लेकिन वोट जेएमएम प्रत्याशी को देने का काम करें, क्योंकि उनके बोर में जो बेईमानी का धन है उसे इसी माध्यम से आप खत्म करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा, यह शहादत का चुनाव है, इसमें हम लेखा जोखा देने का काम नहीं करेंगे। लेखा जोखा देने का काम हम 2024 के चुनाव में करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बेबी देवी को मंत्री बनाने का काम नहीं किया है, हमने दिवंगत जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अब जवाब देही यहाँ की जनता की है, उन्हें वोट के रूप में अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने मंत्री को चुनने का काम करें। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने इस चुनाव को एक जन नेता की शहादत होने पर उपचुनाव होने की बात कही। सभी ने एक स्वर में उपस्थित लोगों से बेबी देवी को वोट देने की अपील करते हुए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी ने भी 5 सितंबर को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज जो भी डुमरी और नवाडी प्रखंड में काम हुए हैं वह सभी दिवंगत जगन्नाथ महतो की देन है। उन्हें उनकी तरह ही क्षेत्र में लोगों के साथ रहकर काम करने की बात मंत्री ने कही। का चुनाव हम लिखा जोखा देंगे 2024, और इन बेमानों से भी लिखा जोखा लेंगे 2024 कि ये लोगों ने क्या किया है 24। डबल इंजन की सरकार डबल हाथों से इन लोगों ने इस राज्य को लूटा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज मैंने बेबी देवी जी को मंत्री नहीं बनाया, हमने बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी है। हमने अपना काम कर दिया, अब काम आपका। आप जगन्नाथ महतो जी को सच्चा श्रद्धांजलि दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का दिवंगत आत्मा डुमरी के विधानसभा के लोगों को देखेगा। तो इसीलिए विशेषकर महिलाओं से मेरा प्रार्थना होगा, चूल्हा प्रमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है आप लोगों को, लिफाफा रख लीजिए, लेकिन वोट दीजिएगा सिर्फ बेबी देवी जी को। तीर धनुष का कम से कम इन बेमानों का जो भरा हुआ बोरा है उसका कुछ हिस्सा तो आपको आ जाए लिफाफा के माध्यम से, नहीं तो ये लोग बुखार देने वाला लोग नहीं है। जितना ये काम कर लेते क्षेत्र में कोई कर लेती डुमरी प्रखंड में और नवाडी में जाल सब चीज के बिछाए कर लेती, रोड के, स्कूल के, लाइन के, पल पुलिया के, सब चीज के दे देती सुविधा, बच्चा के लिए बहुत सुविधा दे देती, इतना काम कर लेती जो कोई कर लेती, इतना कठिन कर लेती काम। और जो भी काम अभी अधूरा काम है सबके सब नाम पूरा करवाए, और 5 तारीख के हमारे वोट लगा जय हिंद, जय झारखंड। जो समय है हमारे बीच से दादा चले गए हैं, जिसके कारण यह दुखद विषम परिस्थिति में चुनाव आया है। जगन्नाथ बाबू डुमरी के लाल थे, आपके प्यारे थे, आपने एक नहीं कई बार उनको मौका दिया। जगन्नाथ बाबू का कद डुमरी से चलकर पूरे राज्य में एक अग्रिम पंक्ति के नेता के रूप में था। बहुत सारे मंत्री होते हैं, अपने कार्यकाल को निभाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद आप याद कीजिए कि किस किस को आप याद रखते हैं। आज जगन्नाथ दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन झारखंड का बच्चा बच्चा उनको याद करके हमेशा श्रद्धा से नाम लेता है। लेकिन आज उसके पीछे लड़ाने वाला कौन है? जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात पात करके जो लड़वाते हैं उसके पीछे एक बढ़िया है,
जो उसको महत्व में लड़वा रहा है, जात जात में लड़वा रहा है, उसको खुद समझना चाहिए कि जो सौर्य जगन्नाथ महतो एक समाज सीमित है, दुख सुख में साथ रहते थे, कहते थे कहते मिलाकर चलते थे, इसलिए हम समाज के नाते एक विधवा महिला होने के नाते हम उनसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई लड़ता है तो उसको हम बैठवाएंगे, समर्थन करेंगे और सौर्य जगन्नाथ महतो जो धड़का मतलब पूरा करने के लिए हम लोग निर्विरोध काम करेंगे। लेकिन आज बगल में एक झंडा लगा लिया गया सरिया का, वो वोट मांगे चल रहा है, अब चुनाव जीते हो क्या सरकार बन जाएगी, क्या मंत्री बन जाएगी, वो क्या सरकार गिर जाएगी, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। राज की बात करता है, विकास की बात करता है, समाज की बात करता है, कि सभी बिंदु पर सोचना चाहिए, उसको विड्रॉल करना चाहिए और चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और आज चुनाव लड़ रहा है तो पता चल जाएगा कि डोंगरी विधानसभा है वो सीली नहीं है।